रामचरितमानस का ये संबद्ध एक है। दूसरा है कि मीन मास जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, उसके जो पूरक में कहा जाता है रामचरितमानस के बारे में, उसके चौपाई में ये कहा गया है। तो कौन गिद्ध के रूप में अवतार लीजिएगा भैया, ये कौन सनातनी है जो सलाह दे रहे हैं। भगवत गीता में कहे हुए कथन, रामचरितमानस के खिलाफ आचरण, फर्जी राम भक्त नहीं है तो फर्जी सनातनी नहीं है तो और क्या है ये लोग। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। ललन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं मुंगेर से, जिसके बाद ललन सिंह हर बार अपने क्षेत्र में भोज देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो मटन और चावल का भोज दिया, तो भारतीय जनता पार्टी सवाल लगातार खड़े कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मटन चावल और दारू का भी वहाँ पर व्यवस्था था, तो वहीं सम्राट चौधरी के बाद जो निशाना है वो विजय सिन्हा का भी आया। विजय सिन्हा ने भी ललन सिंह के ऊपर जोरदार हमला किया और सनातन धर्म की दुहाई गिरिराज सिंह दे रहे हैं, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। अब नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कई तरह के वीडियो दिखाए हैं, तस्वीरें दिखाई और ट्वीट दिखाया है गिरिराज सिंह को लेकर, कि जो बात करते हैं सनातन धर्म की तो वो खुद ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि मीट मुर्गा खाएं और नहीं खाने से प्रोटीन की कमी होगी। खुद वो जो है वो मटन खाते हुए नजर आ रहे हैं, गिरिराज सिंह की वो तस्वीरें दिखाई गई है और साफ तौर बताया पर कहा जा रहा है कि सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म यही सिखाता है। और साथ ही साथ संविधान की जो पुस्तक है और संविधान में जो लिखा है, जो लोग खड़े थे उन लोगों ने जो शपथ है उसको पढ़ा है, पूरा वीडियो देखिए। रामचरितमानस का ये संबद्ध एक है। दूसरा है कि मीन मास जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, उसके जो पूरक में कहा जाता है रामचरितमानस के बारे में, उसके चौपाई में ये कहा गया है। तो कौन गिद्ध के रूप में अवतार लीजिएगा भैया, ये कौन सनातनी है जो सलाह दे रहे हैं। भगवत गीता कहता है नरक भोगते हैं ऐसे लोग जो मांसाहार खाते हैं। आप तो सनातन धर्म के पैरोकार हैं। भगवत गीता में कहे हुए कथन, रामचरितमानस के खिलाफ आचरण, फर्जी राम भक्त नहीं है तो फर्जी सनातनी नहीं है तो और क्या है ये लोग। सनातन धर्म के अलमदार है, क्या ट्वीट करते हैं कि जो सनातन धर्म के इन्हें सनातन से चिढ़, सिर्फ जालीदार टोपी पहनते हैं। अरे सनातन धर्म के नाम पर तो पाप आप लोग कर रहे हैं। मीट मछली अंडा का भक्षण कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अब हम नहीं जानते कि जो वहां भी गए हनुमत कथा में वो भी खाऊ लिए, क्या किया ये लोग, ये तो ये लोग जाने भाई। और अब चलिए आगे, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुरूपिया नहीं, इसको 112 रुपए 117 रुपए हम नहीं जानते हैं। अब देखिए, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, ऐसी सनातनी है। सनातनी है तो धर्म ग्रंथ पढ़िएगा ना। तो मिजोरम को छोड़कर उत्तर पूर्व के सभी राज्य में एनडीए की सरकार है, इनकी सरकार है। तो 30 जुलाई 2021 को, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह जी, अश्विनी चौबे जी बाबा, आप लोग धर्म के बड़े ठेकेदार उभरे हैं, तो हिम्मत करके बोलिए 30 मार्च 2021 को आपके मंत्री समनोर सुल्लई ने, जो मेघालय में पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने कहा, आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा चिकन मटन से ज्यादा गो मांस खाएं। ये हम लोग आपको वीडियो में भी दिखाएं। तो ये लोग कार्रवाई की मांग करें, कहे कि हमारी पार्टी का मंत्री ऐसा बोला है। दूसरा, मेघालय के ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनरेस्ट मावरी ने तो 20 फरवरी 2023 को इंडिया टुडे के साथ बातचीत में बोला, मैं गौ मांस भी खाता हूं और भाजपा का अध्यक्ष भी हूं।
जय हो राम भक्त। लेकिन भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कार्रवाई करने का। अब देखिए बहुरूपिया कहते हैं ना, अब आरएसएस के इनके पदाधिकारी है बौद्धिक शाखा ज्ञान प्रवाह के प्रमुख जय नंद कुमार 14 सितंबर 2022 को गुवाहाटी में कहते हैं मांसाहार भोजन वर्जित नहीं है, इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ये कैसा स्वरूप है अब हम आपको यह बताते हैं कि देखिए ये मुंह से बोलेगा कुछ करेगा कुछ सर, मुंह से बोलेगा जय राम जय राम जय राम, अब मौका मिलेगा तो अकेले उधर मटन चिकन मार लेगा धड़ाक सा। अब देखिए इन लोग का हाल, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा शासित प्रदेशों में मांसाहार की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये कैसा सनातनी धर्म के नाम पर वोट का ठेकेदार बनता है, और जो धार्मिक ग्रंथ में उद्धृत जो उद्धरण है उसके खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में भी आचरण करते हैं, राजनीतिक आचरण भी करते हैं। अब गुजरात में 8% की वृद्धि, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी वृद्धि हुई है, और त्रिपुरा में तो खैर गर्दे उड़ा दिया, त्रिपुरा में तो 94.8% हमारी रिपोर्ट नहीं, 30% पुरुष मांसाहार है, वहां भाजपा की सरकार है। जरा हिम्मत है माननीय गिरिराज सिंह सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी सनातन धर्म के अलबमदार बने हैं तो जरा बोलिए कि जरा रोक लगाने की मांग करिए। तो खुद खाते हैं ये लोग, और तो हम तो